प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद अनुराग ठाकुर की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि बजट पर चर्चा के दौरान आज सदन में अनुराग ठाकुर ने अच्छा भाषण दिया। उनके भाषण में तथ्य और हास्य दोनों दिखा। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष की गंदी राजनीति को सबके सामने रखा। ये भाषण आपको भी सुनना चाहिए। तो विपक्ष की गंदी राजनीति को सबके सामने रखा, पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर की तारीफ की है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर का एक छोटा सा बयान भी आपको सुनवाते हैं। कैसे अनुराग ठाकुर ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म हमारे साथ है और यहां 293 अभिमन्यु बैठे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने हलवे को लेकर भी राहुल गांधी पर हमला बोला। अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहां 293 अभिमन्यु बैठे हैं। भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं, हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? टूजी स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? सारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? वहीं संसद में बजट पर चर्चा के दौरान आज लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच जमकर बहस भी हुई। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को कहा, केवल रील्स के नेता मत बनिए, आपका महाभारत का ज्ञान एक्सीडेंटल है। वहीं राहुल गांधी ने सदन में कहा कि अनुराग ठाकुर ने मेरा अपमान किया है। कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में सोच बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं। और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती है। रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और सर, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद। शायद सर, मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें।
आज संसद में जाति को लेकर घमासान देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जमकर वार पलटवार हुआ। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को।